दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर रविंद्र जडेजा के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। मैदान में उतरते ही रविंद्र जडेजा ने मचाई ऐसी तबाही कि कांप उठी ऑस्ट्रेलिया की रूह। तो आखिर कैसे ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए जडेजा ने तोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड। उनके खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर आतिशी पारी का पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी के साथ ही रविंद्र जडेजा ने हुंकार भरी थी। पहली पारी में 5 विकेट चटकाने वाले जडेजा ने 70 रनों की तूफानी पारी खेलने के साथ साथ दूसरी पारी में 2 बड़े विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बदौलत टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में बड़ी शान से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली, जिसके बाद दोस्तों दिल्ली के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया बदला लेने के इरादे से उतरी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रविंद्र जडेजा यहां भी उनके गले की हड्डी बनकर उनकी धज्जियां उड़ाने की नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, जैसे ही जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी का मौका मिला, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे टेस्ट में वापसी करने वाले मिचेल स्टार्क को कवर के ऊपर से चौका लगाकर जडेजा ने अपने रनों का खाता खोला था। उससे ही साफ जाहिर हो गया कि जडेजा आज बेहद खतरनाक मूड से उतरे हैं। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने आक्रामक रूप धारण कर लिया। टॉड मर्फी के ओवर में पहले मिड ऑन, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से 2 तूफानी छक्के लगाकर उन्होंने अर्धशतक का आंकड़ा पार कर लिया, जिसके लिए उन्होंने महज 16 गेंदों का इस्तेमाल किया। अपनी इस पारी के दौरान जडेजा ने 4 छक्के लगाए, जिसमें से एक बार तो गेंद ढूंढने के बावजूद नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के तो अभी से हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रविंद्र जडेजा तो आज उनके लिए स्वयं काल का दूसरा नाम बनकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अर्धशतक लगाने के बाद तो और भी खूंखार हो गए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े गेंदबाज नेथन लॉयन रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाने के लिए आए, लेकिन इस ऑलराउंडर ने उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए एक के बाद एक लगातार 4 गेंदों पर 4 ऐसे खौफनाक छक्के लगाए, जिसे देखकर इस गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम दंग रह गया। चारों छक्के मैदान के चारों कोनों पर थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि रविंद्र जडेजा को आखिर रोके कैसे। वहीं दिल्ली का मैदान तो जडेजा के नारों से गूंज उठा। पूरा भारतीय खेमा जश्न में डूबा हुआ था। पलक झपकते ही रविंद्र जडेजा 98 रनों तक पहुंच गए। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए महज 1 छक्के की दरकार थी। गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स और उन्हें निशाना बनाते हुए रविंद्र जडेजा ने कमिंग्स की बाउंसर को पॉइंट के ऊपर से भेजकर अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिसके लिए महज उन्होंने 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। अपनी आतिशी पारी में जडेजा ने 11 खौफनाक छक्के जड़े। उससे ही आप ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के हर्ष का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं किया और सभी की जमकर धुनाई की। हालांकि दोस्तों, रविंद्र जडेजा का यह तूफान केवल प्रैक्टिस में आया था, लेकिन ऐसी ही आतिशी पारी हमें दिल्ली के मैदान पर देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट मैच में कितने विकेट लेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।